हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं राकेश। आप देख रहे हैं नर्सेज अब यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज अपन बात करेंगे आरआरबी स्टाफ नर्स का जो पेपर है, प्रीवियस ईयर पेपर, उस पेपर को सोल्व करेंगे। तो कल अपन ने सोल्व किया था आरआरबी स्टाफ नर्स का पार्ट 1, तो आज अपन बात करते हैं इसी को नेक्स्ट आगे पार्ट 2 की। और भी हमने आरआरबी से रिलेटेड जो क्वेश्चन पेपर है उनको सोल्व करवाया है। अगर आपने नहीं देखा तो चैनल पे जाइए और विजिट करके इन पेपर को आप देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये है पेपर आरआरबी का, जिसमें पार्ट 1 के अंदर अपन ने 20 क्वेश्चन है जिनको सोल्व कर लिया था। आज अपन नेक्स्ट 21 से स्टार्ट करेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, क्योंकि हम ऐसे ही इम्पोर्टेंट वीडियो आपके लिए लेके आते रहते हैं। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, व्हाट इज द नर्व सेल डैट कॉन्वे इम्पल्सेज फ्रॉम द सेंट्रल नर्वस सिस्टम टू द पेरीफेरी। तो इसमें है सीलिया, अफ्रेंट न्यूरोन, डेंड्राइट्स और एफ्रेंट न्यूरोन्स। तो सेंट्रल टू पेरिफेरी, अगर सेंट्रल टू पेरिफेरी है तो एफरेंट, और पेरिफेरी टू सेंट्रल की तरफ है तो अफरेंट न्यूरॉन। ये इन दोनों के अंदर डिफरेंस है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22, विच स्ट्रक्चर इज रेस्पॉन्सिबल फॉर प्रोटेक्टिंग द फिटस। जो फिटस को प्रोटेक्ट करती है वो कौन सी स्ट्रक्चर है? तो उसमें आंसर आएगा एमनियोटिक फ्लूड। ऑप्शन है डेसिडुआ, कॉर्पस ल्यूटियम और योक्स है। राइट आंसर इज एमनियोटिक फ्लूड। एमनियोटिक फ्लूड है वो टेम्परेचर को रेगुलेट करता है, दूसरा है शॉक एब्जॉर्ब करता है, जैसे कि कोई भी शॉक लगे एक्सटर्नल उनको एब्जॉर्ब करता है, और बाकी इसको जो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाता है। नेक्स्ट है द टेम्परेचर रेगुलेशन सेंटर इज लोकेटेड इन द। टेम्परेचर रेगुलेटर सेंटर है वो है हाइपोथैलेमस। तो इसमें राइट आंसर हो गया हाइपोथैलेमस। नेक्स्ट है द मोस्ट अबंडेंट सोर्स ऑफ आयरन इज। तो आयरन का जो प्रचुर मात्रा में जो सोर्सेज है वो क्या है? मिल्क, मिल्क के अंदर जो प्रचुर मात्रा में है वो है कैल्शियम। ग्रीन वेजिटेबल इज द राइट आंसर। एग के अंदर भी प्रोटीन और कैल्शियम, बीन्स इसमें प्रोटीन्स और फैट, ये सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। तो राइट आंसर हो गया इसके अंदर ग्रीन वेजिटेबल। नेक्स्ट है स्पॉन्डिलाइटिस। स्पॉन्डिलाइटिस रिलेटेड टू स्पाइनल कॉलम इज द नेम ऑफ ए डिजीज दैट अफेक्ट द। राइट आंसर हो गया इसमें स्पाइनल कॉलम। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26, ह्यूमन बॉडी नीड्स ए कांस्टेंट सप्लाई ऑफ प्रोटीन्स टू सर्वाइव। द फर्स्ट पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम टू बिगिन डाइजेस्टिंग प्रोटीन इज। तो प्रोटीन का डाइजेशन सबसे पहले स्टार्ट हो जाता है माउथ के अंदर ही, और बाकी अदर चलता रहता है। स्टार्टिंग में जो डाइजेशन होता है वो माउथ से स्टार्ट हो जाता है, इसलिए राइट आंसर है माउथ इसके अंदर। नेक्स्ट है रीजनिंग का क्वेश्चन है ये, इसको अपन सोल्व करेंगे। किस प्रकार से सोल्व होगा? क्योंकि पिछले वीडियो के अंदर में अपन ने मैथ और रीजनिंग के जो क्वेश्चन आए थे उनको सोल्व किया था। तो इसमें दिया हुआ है 27 नंबर क्वेश्चन है, इन ए कॉलेज द नंबर ऑफ स्टूडेंट स्टडिंग आर्ट्स कॉमर्स एंड साइंस आर द रेशियो 4:7:9। इफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन आर्ट्स कॉमर्स एंड साइंस बी इंक्रीज बाई 30%, 20% एंड 40% रेस्पेक्टिवली, व्हाट विल बी द न्यू रेशियो। तो अपने को क्या करना है, इसके अंदर जो नया रेशियो है वो निकालना है, क्योंकि इसके अंदर 30%, 20% और 40% जो स्टूडेंट है वो बढ़ गए हैं, इंक्रीज हो गए हैं। तो अपने पास जो न्यू रेशियो है वो क्या आएगा? तो फ्रेंड्स, अभी अपन स्टेप बाय स्टेप करते हैं। अगर आपके पास कॉपी पेन है तो आप भी साथ साथ इसको करते रहें। तो सबसे पहले अपन आर्ट्स, दूसरा हो गया कॉमर्स और तीसरा हो गया साइंस।
ये तीन अपन लिख लेते हैं। आर्ट्स का जो पहले का जो रेशियो था 4:7:9, ये था रेशियो। अब इसमें जो इंक्रीज हुआ है वो हुआ है 30%, 20% और 40%, ये इसमें इंक्रीज हो गई। अब अपने को करना क्या है कि अपने को पता है नहीं, तो इसमें एक्स मान लेते हैं, तो इंक्रीज हो गया 4x जो न्यू रेशियो आया है, और इनटू में अपन कर देंगे इसके 30% है तो 130 से मल्टीप्लाई। दूसरा है, ये आपको मैं शॉर्ट तरीका बता रहा हूँ, और जो फॉर्मूले से करोगे तो आपको थोड़ा लॉन्ग पड़ेगा, शॉर्ट तरीका है ये, आपको ऐसे करना है। नेक्स्ट है 7x × 120, नेक्स्ट है 9x × 140, ये अपने पास आ गई। अब अपन इसको क्या करेंगे कि मल्टीप्लाई कर लेंगे। जो अपने पास आई थी 4x × 130, दूसरा था 7x × 120, और तीसरा था 9x × 140। अभी इसको अपन मल्टीप्लाई करेंगे, 13 चौक 52, 520, इसमें आएगा 12 संते 84, 840, और ये था 9 × 140, तो ये हो जाएगा 140 × 9 1260, ये आ गया अपने पास। अब इसको अपन काट लेते हैं, 0 से 0 इस तीनों में कट गया, तो अब और कट सकता है 2 से, तो 26 दूनी 52, और ये हो जाएगा 42, और ये हो जाएगा 63। अगर ये और कटता है तो काट लो, अगर नहीं कटता तो ये अपने पास ये जो सीरीज है ये आ जाएगी। तो अब अपन इसको राइट आंसर में जो मैच करते हैं, तो राइट आंसर के अंदर ये मैच कर रहा है, तो अपना जो राइट आंसर हो गया वो हो गया सी, बोले तो 3 नंबर का जो राइट आंसर इसमें हो गया। ये अपना जो क्वेश्चन है सॉल्व हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28। ए पेशेंट इज टू बी गिवन 12 यूनिट ऑफ इंसुलिन। इफ 1 ml ऑफ इंसुलिन सॉल्यूशन कंटेन 40 यूनिट, हाउ मच इंसुलिन इज टू बी गिवन इन ml। तो ml के अंदर इसने पूछा है, ऐसे क्वेश्चन को अपन सोल्व करेंगे। एक जो इसमें फॉर्मूला है वो यूज होता है, फॉर्मूला है डिजायर डोज अपॉन अवेलेबल डोज इनटू क्वांटिटी, क्वांटिटी इसमें कितनी है जो अपने पास अवेलेबल है उसके अंदर। अब इस फॉर्मूले से अपन करेंगे कि किसी भी प्रकार का क्वेश्चन आ जाए, अगर आपके पास ऐसा क्वेश्चन आ रहा है तो आप इस फॉर्मूले से उस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। तो इसमें है डिजायर्ड डोज है वो है 12, अवेलेबल है अपने पास 40 यूनिट, कितने में से 1 ml के अंदर, तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगी, क्वांटिटी हो गई 1 ml। अभी अपन इसको काट लेते हैं, इसको अपन काटते हैं 4 से 4 3 12, 4 2 40, तो अपने पास आ गया 3/10, 10 का भाग देंगे तो ये हो जाएगा 0.3, तो अपने पास आ गया 0.3, क्योंकि तो एक जीरो है तो यहाँ पर एक एक अक्षर हटा के यहाँ पर अपन पॉइंट लगा सकते हैं, तो 0.3 अपने पास है, जो 0.3 ml में अपन इसको इंट्रोड्यूस करेंगे पेशेंट को, तो राइट आंसर हो गया इसके अंदर 3 3 के अंदर दिया हुआ है 0.3 ml। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29। ए पर्सन ऑफ ए बी ब्लड ग्रुप आर यूनिवर्सल एक्सेप्टर बिकॉज, तो यूनिवर्सल एक्सेप्टर जो ब्लड ग्रुप है उसके अंदर कोई भी एंटीबॉडीज नहीं पाई जाती,
दे हैव नो एंटीबॉडीज इन देयर ब्लड। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30। रेडियो कार्बन डेटिंग इज यूज टू एस्टिमेट द एज ऑफ जीवाश्म फॉसिल्स। ये जर्नल साइंस का क्वेश्चन था। नेक्स्ट है द फर्स्ट एडिशन ऑफ खेलो इंडिया स्कूल गेम्स वॉज हेल्ड फ्रॉम 31 जनवरी टू 8 फरवरी 2018 एट न्यू दिल्ली। द स्टेट गोट हाईएस्ट नंबर ऑफ गोल्ड मेडल। तो हाईएस्ट नंबर ऑफ गोल्ड मेडल है वो हरियाणा ने वोन किया था, तो राइट आंसर हो जाएगा हरियाणा। ऐसे क्वेश्चन आप जिस टाइम पे आप रेलवे का एग्जाम देने जाओगे उस टाइम पे आपको करंट के जो क्वेश्चन है वो आपको पढ़ने पड़ेंगे, तो क्योंकि करंट अफेयर इसमें आती है। तो ये जैसे कि एग्जाम था 2018 का उस टाइम पे ये करंट क्वेश्चन था, इसी प्रकार से आपका जैसे जून के अंदर एग्जाम होगा तो उसी का जो 2-3 महीने का जो करंट का जो क्वेश्चन होते हैं वो आपको पढ़ने पड़ेंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 32। बीसीजी वैक्सीन इज गिवन फॉर द प्रिवेंशन ऑफ। बीसीजी वैक्सीन है वो अगेंस्ट काम करती है टीबी के, प्रिवेंशन ऑफ टीबी। नेक्स्ट है ऑन डिवाइडिंग ए सर्टेन नंबर बाय 342 वी गेट 47 एज रिमेंबर व्हाट विल बी द रिमाइंडर इफ द सेम नंबर इज डिवाइडेड बाय 18। इस क्वेश्चन को अपन सोल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 33। तो इसमें पूछा है कि अपन 18 से डिवाइडेशन करेंगे तो अपने पास जो शेष है वो क्या बचेंगे। तो सबसे पहले है कि 342 कोई संख्या थी, इसमें किसी संख्या का डिवाइडेशन किया तो अपने पास आया था 47। अब अपने को करना क्या है कि 47 के अंदर 18 का डिवाइडेशन करेंगे तो अपने पास कितना शेष बचेगा। तो अपन इसमें डिवाइडेशन करते हैं तो 18 एकम 18, 18 दूनी 36। अब 36 को इसमें से करते हैं तो ये बच गए 11, 11 अपने पास शेष बचते हैं। तो ये ही हो गए अपना राइट आंसर। ऑप्शन में अपन चेक करते हैं तो ऑप्शन नंबर एक के अंदर 11 शेष बचा हुआ है, ये हो गया राइट आंसर। नेक्स्ट है 34। फ्रॉम द गिवन ऑप्शन सेलेक्ट द राइट नंबर विच विल कंप्लीट द गिवन सीरीज। सीरीज है 4, 9, 16 एंड 25। ये क्वेश्चन हो गया रीजनिंग से। अपने को करना क्या है कि इसके अंदर अपने को जो डिफरेंस है वो चेक करना है, जैसे 4 के अंदर कितना डिफरेंस है कि अपने पास आंसर आ जाए 9। तो ये हो गया 5 का। दूसरा है 9, 16, तो ये हो गया 7। तो 5, 7, नेक्स्ट है 16 प्लस कितना कि अपने पास आ जाए 25। तो ये हो गया 9, 5, 7, 9 और 25 है। अब इसमें जो दो दो की जो सीरीज है इंक्रीज हो रही है तो अपन इसमें 11 प्लस कर देंगे तो 25 प्लस 11 तो अपने पास आ जाएगा 36 राइट आंसर। तो इसमें ऑप्शन नंबर एक के अंदर है 36 राइट आंसर, ये अपन इसमें सही कर देंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 35। दी सेलेवरी ग्लैंड सीक्रेट सेलाइवा विच कंटेन द एंजाइम। जो सेलेवरी ग्लैंड है वो सीक्रेट करती है सेलाइवा, वो कौन सा एंजाइम है, वो है टाइलिन। नेक्स्ट है एक्स्ट्रा पायरामिडल सिम्टम आर साइड इफेक्ट ऑफ। तो एक्स्ट्रा पायरामिडल जो सिम्टम है वो साइड इफेक्ट हैं एंटी साइकोटिक ड्रग्स के। नेक्स्ट है दी ओआरएस अमाउंट ओ टू बी गिवन आफ्टर ईच स्टूल फॉर चिल्ड्रन लेस देन 24 मंथ एज।
24 महीने से कम का जो बच्चा है उसको ईच स्टूल के बाद में अपन कितना ओआरएस का जो घोल है उसका अमाउंट अपने को बच्चे को पिलाना है। तो इसमें आएगा 50 से 100 ml अपने को बच्चे को पिलाना है ईच स्टूल के आफ्टर। नेक्स्ट है द नियरेस्ट प्लेनेट टू द सन इज, जो सन है उसके जो नियरेस्ट प्लेनेट है वो कौन सा है, तो वो है बुध, मरकरी। ये क्वेश्चन है, ये रिपीट हुआ था पहले भी एक एग्जाम के अंदर, तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट है रेटाइना इन आई एक्ट एज ए, जो आँखों की जो रेटिना है वो किस प्रकार का काम करती है, वो काम करती है कैमरे में फिल्म का, फिल्म इन द कैमरा। नेक्स्ट है दी लार्जेस्ट ट्राइब्स इन इंडिया इज, भारत में सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है, वो है गोंड्स। गोंड्स जनजाति है जो इंडिया की सबसे बड़ी जनजाति है। तो फ्रेंड्स आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना और पास में जो बेल आइकन आता है उसको जरूर प्रेस कर लेना, क्योंकि जैसे ही हम वीडियो अपलोड करें आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय बाय, मिलते हैं एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ।